माझा की रहने वाली है, मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो खोला तारा कुंड जो मंदिर के पास बना हुआ है, तुम्हारे परिवार के लोग यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। इतनी ज्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं ना, कैमरा मैन लोड़वा का आपको हम गेट पे खड़े हैं उसके, हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर से जाके ये मंदिर है किस तरह से, यहाँ की छटा भी देख सकते हैं, यहाँ के लोगों को भी देख सकते हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे आए थोड़ा सा अंदर आए और हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कहाँ से और कैसे होता है, यहाँ का मंदिर क्या है, कैसे है, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं लोड़वा मंदिर पे, लोड़वा के शिव मंदिर पे जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं, हम दिखाना चाहेंगे उन लोगों को और वो खुद अपने घर से या अपने पास से भी देख सकते हैं इस मंदिर की छटा और यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में भी अगर यहाँ के महान जी हम फिर मिले तो उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे इस मंदिर की महत्व क्या है और यहाँ का मान्यता क्या है, यहाँ आके लोग क्या क्या चीज़ मांग सकते हैं या क्या चीज़ मिलता है, यहाँ के जो पंडित जी होंगे उनसे ज़रूर एक बार बात करना चाहेंगे इस शिव मंदिर के बारे में, यहाँ लोड़वा शिव मंदिर के बारे में आप लोगों को भी बताना चाहेंगे। मैं कहूँगा आए यहाँ पे देखिए चल रही है, आप लोग देख सकते हैं भक्त यहाँ पे खड़े हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पूजा चालू है और यहाँ पूजा चालू है और चालू तो कर भी रहे हैं, कहेंगे कैमरामैन से एक बार घूम करके उधर से दिखा कर के दिखा दे, इधर से आ जाए दिखा दें आप बाबा जी, ये यहाँ के शिव जी की प्रतिमा है जो कि लोगों की आस्था है। मैं कहूँगा जूम करके सही से दिखाए, जो भगवान यहाँ पे खुद विराजमान है भगवान शिव, उनके जरूर दर्शन कराए भक्तों को भी, सबको यहाँ के लोगों को जो भी शिव में आस्था रखने वाले हैं उन सभी भक्तों को ये शिव का दर्शन अवश्य होना चाहिए। यह लोड़वा धाम है, यहाँ के मंत्र महंत जी जो है, महंत जी 2 मिनट का टाइम लीजिए, मैं महंत जी से जरूर बात करना चाहूंगा। महंत जी क्या नाम है आपका? सनातन गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ये मंदिर यहाँ पे कब और कैसे हुआ था, कितने दिनों से आप हैं यहाँ? बाबू बहुत दिन के मंदिर है जी, इतने बाद भी महंत का मतलब यहीं से पहला महंत रामकृष्णदास, दूसरा महंत बाबा गंगाराम दास, तीसरा महंत बाबा सनातन दास। सनातन दास जी, तो आप यहाँ पे ये शंकर भगवान जो यहाँ पे लोग बागों की आस्था है, कैसे यहाँ खुद से निकले थे क्या? ये लोड़वा के शंकर जो महादेव है खुद धरती से निकले हैं, यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव खुद ही यहाँ पे प्रकट हुए थे, और इसकी क्या मान्यता है गुरु जी? मान दिए वो भोलेनाथ कामना पूरा हो। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष ये मेला जिस तरह से आज लगा हुआ है, हमेशा हर वर्ष लगता है? नहीं जी, पहले ना ही लगता था जी, लेकिन अब कितने दिनों से यहाँ पे मेला लगता है? मेला तो बहुत दिन से लागत है, हर वर्ष लगता है मेला। अब वो और थोड़ा सा ज्यादा भव्य हो गया है मेले का, जो यहाँ पहले जमाना रहा गैस से काम चल रहा, लांटियम से काम चल रहा, अब तो लाइट से काम चल रहा। यहाँ पे आप लोग आई है पूजा करने, क्या नाम है आपका? जी नीलम पांडे, नेत्रावती। नीलम पांडे जी, जी। यहाँ जैसा कि ये मान्यता है, आप लोग भी ये जानती हैं कि ये भगवान जो यहाँ पे है कब से यहाँ से निकले हैं? जी हमारे पूर्वज यही बताते हैं जी, बहुत पहले से पूजे जाते हैं और अपने आप ही यहाँ मतलब प्रकट हुए हैं। तो लोगों का जिस तरह से ये मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव से जो भी आप मांग सकती हैं वो आपको जरूर देते हैं, मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है, आपका भी मांगा हुआ कुछ पूरा हुआ? जी बहुत, जो भी हम मांगते हैं वो पूरा करते हैं। जो भी आज तक आपने मांगा वो सारी चीजें पूरी हुई? जी, जी,
जैसा कि आप लोग देखे भी यहाँ पांडे जी को, उन्होंने खुद ही यह बताया कि वह आज तक जो भी चीजें यहाँ पे भगवान भोलेनाथ में आस्था रख के जो भी चीजें आज तक यहाँ मांगने आई हैं लोढ़वा धाम से, लोढ़वा शिव मंदिर से, उनको आज तक ये प्राप्त हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भक्तों की तो काफी भीड़ है, और इस मंदिर की जो मान्यता है आपको महंत जी ने बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस मंदिर का चमत्कारिक रूप और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी, और यहाँ के लोग भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने भारी जनसंख्या में यहाँ पे लोगों का एकदम हुजूम है, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पे एकदम मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, और इस मेला की पूर्ण व्यवस्था, पूर्ण सुरक्षा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आइए एक बार उन सुरक्षा कर्मियों को भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कुंभ मेला किस तरह से और कैसे लगा, वो हुआ कैसे, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? सिराजुद्दीन अंसारी। सिराजुद्दीन अंसारी जी, आप किस थाने से हैं? गौर थाने से। अच्छा, यहाँ कौन कौन से थाने की पुलिस लगी हुई है? पैकोलिया, सोनहा और गौर। आप गौर से हैं? जी। आप सुबह में कितने बजे आ गए थे? आपको लगता है कितने की लगभग कितने जनसंख्या में यहाँ पे लोग आए होंगे? 20-25 हज़ार लोग से ज़्यादा थे। तो मेला की यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, सब कुछ सही चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेंद्र पटेल जी। आप किस थाने से? गौर थाना। आप भी गौर थाने से हैं? मतलब सारे लोग गौर थाने से हैं यहाँ पे? ये आपकी टीम है यहाँ पे गौर थाने की? कैसे रही यहाँ की व्यवस्था? से बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई ऐसी चीजें जो कि दुर्घटना या इस तरह की कोई चीजें? दुर्घटना नहीं आई प्रकाश में, मंदिर पर ब्रिज से लेकर। आपकी ये सॉरी गौर की पुलिस की ड्यूटी यहाँ गर्भगृह से लेके आसपास की थी? आप लोगों की ड्यूटी यहाँ पे बाकायदे थी। कितने बजे तक रहेंगे आप? 9 बजे तक। सुबह में कितने बजे आ गए थे? सुबह 9 बजे तक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गौर थाने की पुलिस आपको दिख रही होगी एकदम मुस्तैद, चुस्त और दुरुस्त। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी और शाम को 9 बजे ड्यूटी यहाँ से ख़त्म होगी। हमको लगता है तब तक यहाँ के मेले में भी कहीं ना कहीं जनसंख्या की कुछ कमी जरूर हो जाएगी। तो शाम को यहाँ पे दूसरे लोगों की ड्यूटी लगेगी या नहीं? लगभग ये मेला कितने दिनों तक रहता है? 2 दिन बताएंगे, 18-19। जैसा कि एसआई साहब बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेला 2 दिनों का, या इन लोगों की ड्यूटी 2 दिनों की है, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं या श्रद्धालु हैं या यहाँ के जो भी जनसंख्या के लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक यहाँ का मेला रहता है। आप लोग अभी देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा कैमरामैन अनिल के साथ।